लीज और परचेज का मतलब होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नॉन करेंट एसेट या तो परचेज कर लें, और परचेज करने के अलावा एक ऑप्शन होता है कि किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ अर्से के लिए उसे रेंट पर ले लें। किसी एसेट को इस्तेमाल करने के लिए रेंट पर लेना लीज कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लीज और परचेज में फर्क होता है कि परचेज में हमने उस एसेट को परचेज कर लिया है और उसकी ओनरशिप, बेनिफिट, रिस्क हर चीज हम तक ट्रांसफर हो गई। उसकी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने कैश परचेजेस सिलेक्ट किया है तो आपके पास से कैश आउटफ्लो उसी वक्त हो जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट परचेजेस सिलेक्ट किया है तो एसेट तो अभी आपके पास आ जाएगा लेकिन कैश आउटफ्लो कुछ अर्से के बाद। लीज की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंसिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज आमतौर पे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए की जाती है, फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर। इसके अलावा ये लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होता है। अगर बायर चाहे तो इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को जब चाहे कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी। जबकि इसमें ऑनरशिप और मेंटेनेंस ये दोनों चीजें रहती हैं जो लेसर होता है उसमें। लेसर बेसिकली क्या है, दो पार्टीज होती हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेसर का मतलब होता है ओनर ऑफ द एसेट, और लीजी का मतलब होता है यूजर ऑफ द एसेट, जो एसेट को यूज कर रहा है। ऑपरेटिंग लीज के अलावा दूसरी लीज होती है फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज एक तरह से परचेसिंग एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिलेबल नहीं होता, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ओनरशिप इसमें ट्रांसफर हो जाती है यूजर ऑफ द एसेट के पास। इसके अलावा मेंटेनेंस भी यूजर दे देता है। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये कैंसिलेबल नहीं होती, जबकि ये कैंसिलेबल होती है, जबकि ये कैंसिलेबल नहीं होती। इसमें भी कैंसिलेशन के ऑप्शन होते हैं, लेकिन उस केस में जो यूजर ऑफ द एसेट होता है उसे हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बुक में 16.1 पेज नंबर 506 इस पर एक क्वेश्चन है। Monies has been asked by a group of doctors to quote on a 4 years lease of an item of medical equipment which cost ₹600,000. The equipment can be depreciated for tax purposes on a straight line basis over 3 years. Monies has a tax rate of 30% and requires a rate of return of 8% per annum after tax from lease. There are to be 4 equal lease payments payable annually in advance. अगर lease payments को annually advance में pay किया जाएगा, it means कि हमारे पास lease contract total 4 years का है। Year 1, year 2, year 3 and year 4. लेकिन हमारी जो lease payments है, वो 3 साल में खत्म हो जाएंगे। रीजन इज दैट कि जो पहली किस्त आप अदा करेंगे वो आप आज अदा करेंगे, जबकि टाइम पीरियड पूरी स्पेंड नहीं हुआ, जिसको फाइनेंस के टर्म में जीरो टाइम पीरियड कहा जाता है। जब एक साल गुजरेगा तो आप दूसरे साल के लिए एडवांस में दोबारा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इस तरह टाइम पीरियड आपका एक साल गुजरा होगा लेकिन आप लीज पेमेंट 2 साल की कर चुके होंगे। इसी तरह जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचेंगे तो 4 साल के लीज कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल में आप मुकम्मल पेमेंट्स कर चुके होंगे। तो जब भी आपसे लीज पेमेंट्स एडवांस में कहा जाए, इसका मतलब 4 इयर्स का लीज टर्म है, लेकिन लीज पेमेंट्स 3 साल में ही एक्सपायर हो जाएंगी। There are to be 4 equal lease payments payable annually in advance and a residual value of 20% of the cost of equipment will apply. तो इक्विपमेंट की कॉस्ट है 600,000। अगर 600,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो इसकी रेसिडुअल वैल्यू आ जाएगी।
रेसिडुअल वैल्यू बेसिकली किसी भी एसेट की वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो उस एसेट की लाइफ के एंड पर हमें स्क्रैप वैल्यू के तौर पर रिसीव होती है। इसका मतलब अगर इस एसेट को हम यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 120,000 तो हमें स्क्रैप वैल्यू इस एसेट के द्वारा मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर आज हम 6 लाख रुपए स्पेंड करते हैं इसे परचेज करने के लिए तो 6 लाख रुपए हमारा कैश आउटफ्लो होगा, जबकि 4 साल के बाद जब इस एसेट को स्क्रैप में बेचा जाएगा तो 120,000 हमारे पास कैश इनफ्लो भी हो जाएगा। आगे सवाल में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम एनुअल लीज पेमेंट दैट मून लीज शुड पुट। इसका मतलब यहां पर हमें मिनिमम एनुअल लीज पेमेंट कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना होगा। तो वो फैक्टर्स पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड, जिसको हम लिख रहे हैं इयर्स। यहां पर टोटल लीज टर्म है 4 इयर्स, लेकिन चूंकि पेमेंट्स हमारी मैच्योर हो जाती है 3 इयर्स में तो हम इसे 3 इयर्स टाइम पीरियड में चेक करते हैं, जैसे ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, और लास्ट में हम करेंगे इसका टोटल। हमें इस बात को चेक करना है कि अगर 6 लाख रुपए का एक एसेट हम परचेज कर रहे हैं तो आज हमारे पास से कैश चला जाएगा 6 लाख रुपए, लेकिन इस 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बननी चाहिए, क्योंकि 6 लाख में से 1,20,000 रुपए तो हमें एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ मुकम्मल होने के बाद रिटर्न में मिल जाएंगे। तो हमारे पास से जो कैश आउटफ्लो होगा वो तो होगा 4,80,000। तो बेसिकली 4,80,000 की इंस्टॉलमेंट्स बननी चाहिए। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी आता है कि अगर लेट्स सपोज एसेट को हम बाय करते हैं और हमारी ओनरशिप में आ जाता है और एसेट को अगर हम डेप्रिसिएट करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी काउंट होगा। अगर डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे हम काउंट करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट की अमाउंट कम आएगी और कम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगी तो उसके ऊपर टैक्स अमाउंट भी कम लगेगी। तो हमें इस बात को चेक करना है कि अगर हम लीज करते हैं इस एसेट को तो हमारे कुछ ना कुछ टैक्स की सेविंग भी होगी। उस टैक्स सेविंग को भी हमें इसमें कंसीडर करना होगा। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसका डेप्रिसिएशन, एसेट की टोटल कॉस्ट है 600,000 और 600,000 को अगर हम 3 इयर्स से डिवाइड करते हैं तो पर ईयर 200,000 हमारी मशीन डेप्रिसिएट होती है। इस 200,000 की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट में हमें सवाल में बताया गया कि टैक्स रेट हमारा 30% है। तो इसका मतलब अगर हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस 200,000 का जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसेस 200,000 इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है वो 200,000 कम हो जाएगी। उस 200,000 पर अगर हम टैक्स की सेविंग अप्लाई करें 30% तो हमारे पास हर साल 60,000 का टैक्स सेव हो सकेगा। अब यहाँ पर अगर अलग से हम कैलकुलेशन करें टैक्स सेविंग जो कि 30%, तो इसकी कैलकुलेशन हमें इस तरह करनी होगी कि डेप्रिसिएशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 30%। डेप्रिसिएशन अमाउंट है 200,000, इसका जब हम निकालेंगे 30% तो हमें 60,000 की टैक्स सेविंग होगी। तो बाजार में ऐसा नजर आता है कि 60,000 3 साल तक टैक्स सेविंग होगी, तो 1,80,000 हम ये सेव कर लेंगे, जो खर्चा हमारे पॉकेट से होना चाहिए था वो पॉकेट से खर्चा नहीं होगा और 1,20,000 का कैश इनफ्लो हमें एसेट को सेल करने की सूरत में हो जाएगा। तो गोया हमें ऐसा लगता है कि 600,000 का एसेट परचेज करके हमें 300,000 का तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, हमारे पास कैश वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा,
जैसे कि फर्ज करें कि आज अगर कोई हमसे 200,000 उधार लेकर जाता है, आज किसी ने हमसे 200,000 का उधार लिया, ये 200,000 का लोन आज हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो गया, अगर 3 साल के बाद ये 200,000 का कैश हमें रीपे किया जाए तो क्या ये सफिशिएंट इनफ होगा इस 200,000 को रिप्लेस करने के लिए? तो डेफिनेटली जवाब होगा नो, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कांसेप्ट अप्लाई होगा कि आज 200,000 से जो चीजें हम परचेस कर सकते हैं 3 साल के बाद 200,000 से वो सब चीजें परचेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे 200,000 तो 200,000 ही रहेंगे लेकिन चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आज अगर कोई हमसे 200,000 लेकर जाता है और 3 साल के बाद हमें 200,000 ही वापस करता है तो हम एक तरह से लॉस में हैं, क्योंकि आज हमारे 200,000 की जो परचेसिंग पावर है 3 साल के बाद 200,000 की सेम परचेसिंग पावर नहीं होगी। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि फर्ज करें हमारे पास 8% का इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है तो हमें इस 200,000 को जो कि 3 साल के बाद हमें वापस मिलेगी उसके डिस्काउंट बैक करके आज की वैल्यू के बराबर कोई रकम लेकर आनी चाहिए। फर्ज करें कि हम उसको डिस्काउंट बैक करते हैं तो हमारे पास एक रकम आती है 1,16,000। तो मतलब ये हुआ कि आज अगर किसी को उधार में 1,16,000 रुपीज हम देंगे और 3 साल के बाद उससे हम 2 लाख रुपए वापस लेंगे तो 3 साल बाद के 2 लाख रुपए आज के 1,60,000 रुपए की वैल्यू को इक्वल करेंगे। अभी जो डिस्काउंट बैक करना होता है, डिस्काउंट बैक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सिंगल पेमेंट्स का और दूसरा तरीका होता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स का। अगर आप सिंगल पेमेंट में डिस्काउंट बैक करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंट रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर n, रेज टू द पावर नंबर ऑफ इयर्स। अगर आप 3 इयर्स के लिए डिस्काउंट बैक कर रहे हैं तो n की जगह पर उसे 3 पुट करेंगे। अब यहां पर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर ईयर 1 पे चार्ज होता है, यहां ईयर 2 और यहां ईयर 3। अगर हमें इसे डिस्काउंट बैक करके आज की कीमत पर लेकर आना है यानी ईयर 0 की कीमत पर लेकर आना है यानी ये 60,000 रुपए की हमें बचत होगी, 60,000 सेव होंगे 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद वाले 60,000 आज की किस वैल्यू के बराबर है हमें वो फाइंड करना होगा, यानी 60,000 को डिस्काउंट बैक करके आज की कीमत पर लेकर आना होगा। ये जो डिस्काउंट बैक हम करेंगे वो सवाल में एक रेट दिया हुआ है 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। डिस्काउंट बैक करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर n करेंगे। यहां 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर n भी कर सकते हैं और हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 60,000 अमाउंट को डिवाइड करते हैं 1 प्लस r पावर n से। यहां पर मैं दो चीजों को सेपरेट कर रहा हूं, यानी मैंने यहां पर k को सेपरेट किया, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर n और फिर बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से। तो अगर ये a से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पिछले स्टेप पर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं अपना इंटरेस्ट फैक्टर अलग फाइंड आउट कर रहा हूं और उसको हमारी अमाउंट से मल्टीप्लाई करके यहां पर टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। हम यहां पे प्रेजेंट वैल्यू लेकर आ रहे हैं टैक्स सेविंग। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पे ये करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर 1, क्योंकि ये 1 साल बाद की वैल्यू को आज के टाइम पर लेकर आना है। यहां पर हम करेंगे सॉल्व तो 1 को डिवाइड करेंगे 1.08 पावर 2, 1.08 मतलब मैंने 1 को और r को प्लस कर दिया। यहां पे पावर 2 इसलिए लिया क्योंकि हम 2 साल बाद की वैल्यू को आज की वैल्यू के बराबर लेकर आ रहे हैं। यहां पर 1 divided by 1.08 raised to the power 3, यहां पे हम power 3 इसलिए calculate कर रहे हैं क्योंकि यहां 3 साल बाद की value को आज की value के बराबर लेकर आ रहे हैं। अगर इसकी हम calculation करें तो calculation में
फर्स्ट में 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 1 ये 0.926 के इक्विवेलेंट आता है. सेकंड पर आए जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 2 तो ये आता है 0.857. और अगर सेम हम कैलकुलेशन करें और इस पावर को 2 की जगह पर 3 कर दें तो 0.794. अब ये हमारे पास कैलकुलेशन है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से तो हमारे पास टैक्स सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. जैसे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.926 तो टैक्स सेविंग आती है 55,560. इसी तरह अगर 0.857 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ईयर 2 की. और इसी तरह 0.794 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से तो 47,648 वैल्यू आ जाएगी. और अगर हम तीनों वैल्यूज को प्लस करते हैं तो 51,420 और 55,560 तो ओवरऑल 1,54,620 की टैक्स सेविंग हुई है. तीन सालों में टैक्स सेविंग की अमाउंट मिलाकर होती है 154,620. अगर हम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अच्छे तरीके से देखें तो एक तो हमें ये टैक्स की सेविंग हो रही, दूसरी बात ये कि 5 साल के बाद हमारे पास स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी 1,20,000. ये जो 1,20,000 रिसीव होगी ये है बिफोर टैक्स. जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे गवर्नमेंट उसमें 30% का टैक्स रेट अप्लाई करेगी. सो आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो अगर इसका मालूम करें तो सेल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स. सेल्वेज वैल्यू है हमारे असेट की 1,20,000 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स. टैक्स रेट है 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.3. सो अगर हम 1,20,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.7 से तो ये अमाउंट बनती है आफ्टर टैक्स $84,000. लेकिन वन सेकेंड, ये $84,000 हमें रिसीव होंगे आज से 5 साल के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 84,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आज से 5 साल के बाद वाले 84,000 आज की इस वैल्यू के बराबर है. और जहां भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होगी तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर n. टोटल अमाउंट है 84,000. डिवाइड करेंगे इसको 1 प्लस हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आता है 0.08. इसका मतलब है ये 1.08 हो जाएगा और एसेट की टोटल लाइफ है 4 इयर्स. तो इस 1.08 की हम पावर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 4 और इसे डिस्काउंट बैक करेंगे 1.08 raised to the power 4 क्या आता है 1.36. 84,000 को 1.36 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. Which is $61,765. अब हमें बेसिकली एक कैलकुलेशन जो मेन सवाल के रिक्वायरमेंट थी वो ये करनी है
कि टोटल हमारे असेट की वैल्यू है 600,000। इस 600,000 में से कुछ वैल्यू हमें कैश इनफ्लो की सूरत में वापस मिल जाएगी। जैसे हम मालूम कर लें इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। असेट की कॉस्ट है 600,000। इसका मतलब अगर आप इस असेट को आप परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा वो 600,000 का होगा, जबकि आप इसमें से लेस कर दें स्क्रैप वैल्यू और टैक्स सेविंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इनकी वैल्यूज को डिस्काउंट बैक करके आज की वैल्यू से कंपैरिजन क्यों किया। उसका रीजन ये है कि यहां जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास जो कैश आउटफ्लो हो रहा है 6 लाख रुपए का वो आज हो रहा है, तो हमारे पास ये जो टैक्स सेविंग है ये वाली स्क्रैप वैल्यू है, इन दोनों की भी हमें आज की वैल्यू चाहिए होगी। क्योंकि अगर ये सोचें कि आज 6 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हो रहा है और उसमें से माइनस करें हम 5 साल के बाद या 4 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू की जो अमाउंट हमें मिलेगी, तो हम आज की वैल्यू को 4 साल बाद की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए हमने क्या किया कि 4 साल बाद की वैल्यू को डिस्काउंट बैक करके आज की वैल्यू के बराबर लिया। इसी तरह टैक्स हमें जितने जितने साल में सेव हो रहा था उतने साल बैक करके उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली। तो हमें ये पता चला कि स्क्रैप वैल्यू से हमें 61,765 कैश इनफ्लो रिटर्न आ जाएगा और हमें टैक्स सेविंग में 1,54,620 का कैश बैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि नेट हमारे पास से जो अमाउंट कैश आउटफ्लो की सूरत में जाएगी वो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगी। इसके लिए हम 600,000 को सबसे पहले लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 61,765 और फिर इसमें से माइनस कर देंगे 154,620। तो एक अमाउंट हमारे पास आ जाती है 383,615। अब हमें ये करना है, सवाल की जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम लीज पेमेंट क्या होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में। हमें एक बात पता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो रहा है टोटल 3 साल में। एक्चुअली तो वो 4 साल का है लेकिन ये खत्म हो रहा है 3 सालों के अंदर, तो हमें इसका जो एनुअल पेमेंट कैलकुलेट करनी होगी वो भी 3 साल की करनी होगी, जिसके लिए हमारी टोटल अमाउंट होगी 383,615। यानी कि 3 साल की पेमेंट जब मुकम्मल होगी तो हमारे पास सिर्फ टोटल 383,615 पेमेंट हो जानी चाहिए। और जहाँ पर सीरीज ऑफ पेमेंट की बात आए, देखिए यहाँ पर हम पेमेंट एक मरतबा नहीं कर रहे, यहाँ पर हम 3 सालों में पेमेंट कर रहे हैं, तो जहां पर भी सीरीज ऑफ पेमेंट की बात आती है तो उसे कैलकुलेट किया जाता है एनुइटी के फॉर्मूले से। मैंने अभी आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि डिस्काउंट बैक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी सिंगल पेमेंट के लिए, और दूसरा होता है सीरीज ऑफ पेमेंट के लिए जिसको कहते हैं एनुइटी। तो यहाँ पर हम जो पेमेंट करेंगे वो वन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे सीरीज में। तो सीरीज में की गई पेमेंट्स को एनुइटी कहते हैं और एनुइटी को फाइंड आउट करने के लिए ए इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर करते हैं। अब अगर देखें तो इसमें ए हमारी तरफ से टोटल पेमेंट जानी चाहिए 383,615, आर होता है एनुअल पेमेंट जो हमें फाइंड आउट करनी है, यहां पर 1 प्लस रेट यूज होगा 0.08 और टोटल 3 सालों में सारी पेमेंट चली जाएगी, इसलिए रेस करेंगे पावर को 3 तक। अगर ये पूरा ब्रैकेट हम कैलकुलेट कर लेंगे ये होगा 1.08 पावर इसकी 3 इज इक्वल टू 1.259 आंसर आता है, माइनस कर देंगे इसमें से 1 तो ये ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 0.259, इसे डिवाइड करेंगे 0.08 से
तो आंसर आता है 3.2464. ये वैल्यू आर से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर इसे हम डिवाइड कर देंगे, 383615 डिवाइडेड बाय 3.2464, तो हमारे पास एनुअल पेमेंट आ जाएगी। एनुअल पेमेंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर होती है, सो हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे, यानी 383615 डिवाइडेड बाय 3.2464, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आती है 118166 डॉलर्स। इसका मतलब है कि हर साल के एंड पर हमारी जो एनुअल पेमेंट जानी चाहिए इस एनुअलिटी के लिए वो 118166 जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, सबसे पहले हमने कैश आउटफ्लोस को देखे कि 6 लाख डॉलर्स का कैश आउटफ्लो है, उसमें से माइनस किया कि हमारे पास कितनी अमाउंट्स इनफ्लो की सूरत में आ जाएंगी, बाकी जो अमाउंट बची उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने एनुअल पेमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट।